हेलो भाई लोग, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब कैसे बढ़िया होंगे। तो आपका भाई सैम आज लेके जा रहा है आपको बहुत ही बढ़िया जगह में, और मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और सबसे सुंदर जगह है ये पूरे न्यू वाटरफोर्ट की। तो बता दूँ आपको, न्यू वाटरफोर्ट पड़ता है अपना सिडनी नोवा स्कोशिया में, और अगर आपको इस जगह पर आना है, ये एक्चुअली न्यू वाटरफोर्ट का लाइट हाउस है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, और काफ़ी बढ़िया है। और ऐसा है कि ज़मीन का आखिरी छोर है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ समुंदर है आगे। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको या तो CBU से या पिट स्ट्रीट या कहीं से भी आपको न्यू वाटरफोर्ट की बस पकड़नी है, और बस पकड़ने के बाद आपको न्यू वाटरफोर्ट न्यू विक्टोरिया जो स्टॉप है उसका नाम न्यू विक्टोरिया, वहाँ पर उतरना है, और उसके बाद आपको पैदल चलते हुए जाना है तकरीबन 1.9 किलोमीटर, तकरीबन 20 मिनट आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हो लाइट हाउस को। मैं फ़िलहाल अभी उतर चुका था न्यू विक्टोरिया, पैदल जा रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया है, छोटा सा सोचा इंट्रो बना लूँ, बाकी वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ आगे। बाय। तो मेरे पीछे समुद्र दिखना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.3 किलोमीटर रास्ता है। तो यहाँ पे एक रास्ता जाता है ब्राउन्स रोड यहाँ पे, और दूसरा रास्ता जाता है लाइट हाउस को, यानी कि लेफ्ट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड वाला रास्ता पकड़ रहा हूँ, और मेरे पीछे आप देखो सिर्फ खुला समुद्र है ना, बढ़िया। तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे एक फ्रिज पड़ा हुआ है बाहर, और वहाँ पे कुछ टायर वगैरह पड़े हुए हैं उस जगह पे, पता नहीं आपको दिखे या नहीं, मैं थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ कि क्या है ये। दूर से तो फ्रिज ही लग रहा है, किसी ने ऐसे बाहर छोड़ दिया हो, तो देखते हैं। ओ, भयंकर बर्फ है यार, और वहाँ पे बैठने के लिए कुर्सियाँ वर्सियाँ कुछ रबड़ के टायर वगैरह पड़े हुए, और वहाँ से दूर आप सिडनी माइन देख सकते हो। ओ वहाँ पे था, तो वहाँ पर ही बैठ के, तो जो आपने वीडियो देखी थी ना जिसमें वहाँ लिखा था फ्रेंडशिप नीड्स टू बी शेयर, वो जो चेयर थी दो लगी हुई, तो वहाँ से ये दिखता था और मेरा बड़ा देखने का मन था इसको, इसीलिए मैं यहाँ पे आया, और आज इसको देख के ही छोड़ेंगे। तो आगे एक गोरा दिख रहा है मुझे, मैं कैमरा बंद करता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। सॉरी भाई लोग थोड़ा रॉन्ग हो गया, जो मैं रास्ता बता रहा था आपको कि लाइट हाउस को जाता है लेफ्ट वाला, वो नहीं जाता, अभी पता चला वो जाता है राइट वाला। तो धन्य हो हमारे, पूछ लिया मैंने किसी से, पता चल गया, वरना खच्चर हो जाते थोड़ा सा। बस उस रास्ते पे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई तो यहाँ पे चलता हुआ जा रहा हूँ, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, आसपास घर है मेरे, बट कोई इंसान नहीं, बहुत ज़्यादा शांति है मेरे लिए, ये शांति ठीक है। आपके लिए कैसी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो तकरीबन ये 1 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे ट्राई जंक्शन आता है, सीधा जाता है, लेफ्ट में जाता है रास्ता। तो मैं लेफ्ट पे जा रहा हूँ, और मुझे हल्का हल्का लाइट हाउस दिखाई दे रहा है, उसकी रेड कलर की छत है ऐसे, शायद दिख रहा हो आपको, शायद आपको दिख रहा हो, इसके अंदर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ एक शीशा लगा हुआ है, जब भी सूरज की रिफ्लेक्शन पड़ रही है उस पर तो चमक रहा है, बोला था मुझे कि यहाँ पर अभी मत आओ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होगी, खड्डे होंगे और कीचड़ होगा, तो पैर फंसेंगे।
क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है ना। तो आगे मिलते हैं। तो यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और ये रहा वो जो खंबा जिसकी बात करा था, इसको टाप के जाएगा भाई आपका, या और आगे रहा अपना लाइट हाउस। है ना कमाल का। और जिस नज़ारे की मैं बात कर रहा था ना कि खाली यही एक ज़मीन का टुकड़ा, उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ खुला समुद्र, मैं वो देख सकता हूँ। और आपको कैमरा के ज़रिए दिखाने की कोशिश करूँगा, बट जो नज़ारा मैं देख पा रहा हूँ शायद ही वो आप इसको फील कर पाए। नीचे काफ़ी पानी है, कीचड़ है, कोई बात नहीं, चलता है। शूज़ ही धोने पड़ेंगे और क्या होगा। मैं वहाँ से देखता हूँ, यहाँ सूखा रास्ता है, यहाँ से उठ के जाने के लिए इस जगह पे था मैं। इस तरीके की लकड़ियों और इतने मोटे मोटे लोहे गड़े हुए हैं, इनमें ऐसा स्ट्रक्चर है। और ये रहा अपना लाइट हाउस और ये खुला समुद्र। शायद ना ही जाऊं मैं नहीं चाहता कोई पंगा वंगा पड़े। यहाँ पे एंट्री का रास्ता है, दिखाई दे रहा है वहाँ है सिडनी माइंस। और जो चेहरों की मैं बात कर रहा था, तो वहाँ से मैं इस लाइट हाउस को देखता था, मेरा बड़ा मन करता था देखने का इसको, इसलिए आज आया मैं। और काफ़ी गजब और सुंदर नज़ारा है, बहुत ही प्यारा, दिल शांत हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लाइट हाउस को यहीं पे अलविदा बोल के घर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन बाय एंड पीस आउट।